किसी ग्लास में पानी और बर्फ, यानी कि वैसा पानी रखा हो जिसमें बर्फ भी हो, मैंने बर्फ और पानी का मिक्सचर रखा हो, तो उस ग्लास के बाहर यानी आउटर सरफेस पे पानी की बूंदें देखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जो आसपास के जो वातावरण में वेपर होते हैं, वाष्प होते हैं, वो ग्लास के संपर्क में आते हैं। ग्लास का जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लास में पानी भी होता है, आइस होता है। तो जैसे ही ग्लास के संपर्क में आते हैं तो वे ग्लास के आउटर सरफेस से चिपक जाते हैं, और चिपक जाने के बाद वो वेपर से वाटर में चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जिस ग्लास में पानी और बर्फ का मिश्रण रखा गया हो उसके बाहरी सतह पर पानी की बूंदें रहती है। तो यह पानी की बूंदें इसलिए रहती है क्योंकि जो आसपास के वातावरण में वाष्प होते हैं, वाष्प जो है ग्लास के संपर्क में आते हैं, ग्लास का टेम्परेचर लो होता है, और वो वाष्प जो होते हैं लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और लिक्विड में चेंज होने के बाद वे हमें दिखाई देने लगते हैं ग्लास के सतह पर। थैंक यू।